बने जबरदस्त वीडियो के साथ में, तो सीधा चलते हैं न्यूज़ की तरफ। एंड जो वाली न्यूज़ आ रही है वो है गौरव जोन के रिलेटेड। अब गौरव जोन एक कंट्रोवर्सी से निकलते नहीं कि दूसरे मैप पे ऐड ऑन हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ सीन होता है जब एनएफए के रिप्रेजेंटेटिव, एनएफए वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पिछली बार यहाँ पे गौरव जोन के ऊपर केस किया था, अब उनको ये पता चल जाता है कि जब पिछली बार गौरव जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे तो उन्होंने काफी ज्यादा रूल्स एंड नॉर्म्स तोड़े थे। बेसिकली यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया था जो कि रूल्स के खिलाफ था। देन उन्होंने कबूतर को काफी ज्यादा परेशान किया था एंड अपना डॉग भी उसके ऊपर छोड़ दिया था। अब इस सब के ऊपर एनएफए के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे वाइल्डली इंडियन के चैनल पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, सो उसका एक छोटा सा पार्ट में प्ले करके दिखा रहा हूं आपको। एंड अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो हमेशा रहे लिंक द डिस्क्रिप्शन एंड वहां जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जब ये वीडियोस हमें मिले तो हमने इन पर काम करना शुरू करा, तो हमने पाया कि करीब एक साल पहले इन्हीं दिनों यही पर्सन गौरव शर्मा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था। वहां पर इसने जो जीप सफारी होती थी, उनके एक नॉर्म्स बने, आप जब जीप सफारी करेंगे तो आपके पास ड्रोन या इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, कैमरा आप ले जा सकते हैं। दूसरी बात, आप जीप जो जीप है उससे आप नीचे नहीं उतरेंगे, आप नीचे नहीं उतर सकते, ठीक है, उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। इन सब चीजों का उल्लंघन गौरव शर्मा ने किया। एक और चीज कि जो आपका जो तय मार्ग बना हुआ है जंगलों के बीच में, आप केवल उसी मार्ग पर, ये नहीं कि जिप्सी को कहीं भी घुसा। हालांकि इस तरह का कृत्य और भी लोग करते हैं, जो जीप सफारी वाले हैं उनसे सेटिंग करके, अपने गाइड से सेटिंग करके इस तरह का काम करते हैं। जब गौरव शर्मा की वीडियो हमने देखी तो हमने बड़ा शॉकिंग चीज हमें मिली कि तो वो वहां पर गया, तय मार्ग से अलग हटके उसने जिप्सी चलाई और खुद गाड़ी ड्राइव करी, ड्राइवर से सेटिंग करके। ड्राइवर को ये कहा गया कि मेरे यूट्यूब पर इतने लाखों सब्सक्राइबर हैं, मैं तुम्हें बहुत सारा काम दूंगा। इस लालच में जो ड्राइवर था जीप सफारी वाला, वो इस लालच में आ गया और उसने इनको अपनी जो गाड़ी है वो ड्राइव करने के लिए दी। और उसके बाद तो फिर कानून का हर तरीके से उल्लंघन किया गया, जो जिप्सी थी उसको तय मार्ग से हटाकर अंदर जंगलों में चलाया गया। और उसके बाद भी जब इनको शेर नहीं दिखा तो एक फर्जी वीडियो भी इन्होंने डाला हुआ है, किसी और का वीडियो चुराकर अपने यूट्यूब अकाउंट पर डाल दी कि मुझे शेर दिखा और उसका थंबनेल दिखा दिया। इस तरह के फर्जी वीडियोग्राफी कर और कानूनों को उल्लंघन किया गया। उसके साथ उससे भी बड़ा क्राइम कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर इन्होंने ड्रोन उड़ाया। आप ये सोचिए कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आप ड्रोन उड़ाते हैं, ये बिल्कुल इलीगल है। 2018 में भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था जो कि जिन्होंने ड्रोन शॉट्स लिए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल इलीगल है, अगर उसके तहत इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो जब हमने ये सब चीजें देखी उसके बाद हमने डायरेक्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रामनगर उत्तराखंड से बात करी। उसके बाद हमारी पूरी टीम जिम कॉर्बेट पहुंची आज से 4 दिन पहले और हमने तमाम अधिकारियों से मीटिंग करी, उनको ये वीडियोस दिखाए गए, उनको सारी चीजें दी गई। उसके बाद माननीय मेनका गांधी जी ने भी उत्तराखंड शासन में बात करी और फिर इन सभी वीडियोस के माध्यम से उस ड्राइवर को चिन्हित करके पहले पकड़ा गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जिसने इसको जीत दी थी। और फिर उस ड्राइवर से जब पूछताछ हुई तो उसके बयानों के आधार पर गौरव शर्मा के खिलाफ भी मुकदमा फाइनली दर्ज कर लिया गया है उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट के, और गौरव शर्मा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसमें इलीगल तरीके से ड्रोन उड़ाना और तय मार्ग से बताए गए मार्ग पर गाड़ी लेकर जाना और खुद ड्राइविंग करना। तो अभी इनकी मुश्किलें जो है वो खत्म नहीं हुई, अभी तो ये मुकदमे इनके खिलाफ चल रही है। 2-3 वीडियो हमने और निकाले हैं प्रोएक्टिव के, जिसके अंदर एक में कबूतर को पानी में इन्होंने डाला वो वाला वीडियो आपने जो अपने वीडियो में कबूतर को पानी में डाला और पानी में डालने के बाद वो कबूतर बेचारा निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर अपना कुत्ता छोड़ दिया खेलने के लिए। अब आप सोचिए कि कबूतर क्या वो कुत्ते से खेल सकता है, नहीं खेल सकता, उसको तो डर है कि कुत्ता उसे मार ना दे। एंड देन इसके ऊपर गौरव जोन भी रिएक्ट करते हैं, बेसिकली जितनी कंट्रोवर्सीज उठ रही है उनके ऊपर वो सब के ऊपर रिएक्ट करते हैं, बेसिकली स्टोरी डालते हैं या बोलते हैं चिलिंग इन जेल। अब इसके ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट से जरूर बताएं। बढ़ते भी अगली स्टोरी, अगली स्टोरी बेसिकली रॉनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे रॉनी की 2 चैनल है, एक उनका गेमिंग चैनल है, देन उनका एक रोस्टिंग चैनल है। अब वो गेमिंग चैनल पर तो काफी ज्यादा एक्टिव है लेकिन अपने रोस्टिंग चैनल पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब इसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, बताते हैं क्यों अपने वो रोस्टिंग चैनल पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो देखो क्या ही बोलते हैं रॉनी। रॉनी शो का जो वीडियोस है वो वीडियोस के साथ ना मेरा एक थोड़ा सा तकलीफ है। अभी तकलीफ ये है कि ये जो वीडियोस बनता है वो वीडियो ऐसे बन रहा है और अचानक से एक दिन मुझे वीडियो मजा ही नहीं आ रहा है। वो वीडियो मुझे देख के लग रहा है कि यार ये तो गू है, ये मतलब नहीं यार, ये नहीं डालूंगा मैं, नहीं, और वीडियो कैंसिल हो जाता है। फिर मैं दूसरे काम में लग जाता हूँ और थोड़ा टाइम बाद एक और वीडियो बनाता हूँ, वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे कर करके वीडियोस आती नहीं है। अभी देखो मैं पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से एक पे काम कर रहा हूँ, वीडियो आज अब भी जाने वाली थी, अब भी ठीक है, वीडियो रेडी है, रेंडर्ड है, थंबनेल भी रेडी है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं सो जाता हूँ, सो के उठूंगा, थोड़ा सा और उसमें ऐड करूंगा और फिर डालूंगा। मुझे ये चीज चेंज करना है क्योंकि पता है इसके चक्कर में मेरे इतने सारे वीडियोज नहीं आते। पूरे मे महीने में मैंने शायद 3 वीडियोज बनाए थे, एक ओमेगल, एक रेडिट और एक मैंने शायद से किया था इंस्टाग्राम पर वीडियो। तीनों वीडियो मैंने डाले नहीं एंड में आके, रील्स वाली रील्स बोल रहा हूँ गंदी वाली आदत, जरा मुझे ये आदत छोड़नी है। ये आदत की वजह से उस चैनल पे वीडियोस आ ही नहीं पाते और सबको लगता है कि मैं वो चैनल के बारे में भूल चुका हूँ। ऐसा नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में। मैं इनफैक्ट अभी भी वीडियो बना रहा था, मतलब अभी तक मैं वीडियो पे काम कर रहा था, पर देखो अब भी मैंने वीडियो पे गिव अप कर दिया। मैं इतना टाइम पता नहीं मतलब मैं सोच रहा था कि चलो डाल देते, मेरे मन में जैसा था ना कि चलो छोड़ो यार जो भी है ना, बकवास लग रहा है मुझे, बट डाल देते, ठीक है जो होगा होगा डाल देते। पर देन नहीं यार, मतलब पता नहीं मैं क्यों करता हूँ।
ऐसा पता नहीं मैं क्यों करता हूँ ऐसा। यार चलो बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ। एंड जो अगली स्टोरी बेसिकली आशीष चंचलानी की तरफ से आ रही है। अब तुम लोग यहाँ सबको बताओगे भुवन बम के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे भुवन बम को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए आशीष चंचलानी एक स्टोरी डालते हैं एंड यहाँ बोलते हैं, यू माइट बी हैविंग डार्क थॉट्स राइट नाउ, यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग इनसाइड थिंकिंग एवरीथिंग इज शैटर्ड, बट बिलीव मी यू आर अ फाइटर, यू फॉट योर वे टू बिकेम अ सुपरस्टार बिकॉज यू हैड इट इन यू, थिंग्स माइट बी रफ राइट नाउ बट देयर विल बी लाइट, आई हैव नोन योर प्योर पर्सनालिटी सिंस इयर्स एंड माय हार्ट एक्स सीइंग यू गो थ्रू ऑल दिस, लाइफ इज इंडीड अनफेयर बट यू विल कम आउट ऑफ इट भुवन, डोंट इवन डाउट अबाउट इट, I am your brother and I will be forever with you, whatever it takes @ Bhuvan Bum. अब इसके ऊपर आपके क्या thoughts हैं? मतलब seriously एक ऐसा friend जो इस समय पे help करे उससे बड़ा कोई नहीं होता and seriously I salute Ashish Chanchalani for doing it and इसके ऊपर आपके क्या thoughts हैं मुझे comments से जरूर बताना। बढ़ते भी अगली story and जो अगली story थी बेसिकली KRK की तरफ से आ रही है। अब KRK एंड मिका सिंह की यहाँ पे एक झगड़ा हो गया। अब उसके ऊपर वो एक वीडियो बनाते हैं जिसका टाइटल है मिका सिंह हवस के देवता बाय KRK एंड इस वीडियो में काफी ऐसी चीजें बताते हैं जो मिका सिंह की यहाँ पे पर्सनैलिटी को काफी डाउनग्रेड दिखाती है। अब इसके ऊपर आपके क्या thoughts हैं मुझे comments से जरूर बताना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं एंड वहां जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो एंड मुझे अपने थॉट्स यहां पे कमेंट से जरूर बताना। फिलहाल यार यहीं तक थी वीडियो, और जल्दी से मिलेंगे एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ।